हेलो फ्रेंड्स, घर में पड़े हैं पुराने सिक्के, तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। आप इस वीडियो के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि वह पुराने सिक्के कैसे आपको लाखों करोड़ों रुपए दे सकते हैं। यह सब मुमकिन कैसे होगा, वीडियो को देखें शुरू से अंत तक। हो सकता है कि आपका दादा दादी या आपका परदादा परदादी के पास लाखों की संपत्ति रखी हो और उन्हें या फिर आपके इस बारे में मालूम ना हो। पुराने सिक्के के लिए करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार है सिक्के के संग्रह करने वाले या फिर विदेशी वेबसाइट। ज़्यादातर लोगों को पुराने सिक्के की वैल्यू के बारे में पता नहीं होता है और इसे कबाड़ समझ के हटा देते हैं। अगर आपके पास भी यूनिक सिक्के हैं तो आप भी उन सिक्कों को कबाड़ मत समझें। आज मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि आप उन सिक्कों को ऑक्शन वेबसाइट पर जाकर ऑक्शन कर सकते हैं। विदेशी कॉइन मार्केट में आप अपने सिक्के को लाखों रुपये में बेच सकते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। 4 लाख रुपए में बिका था 100 रुपये का कॉइन। भारत सरकार ने साल 1981 में 100-150 रुपये का कॉइन जारी किए थे। RBI ने बाद में यह सिक्का जारी करना बंद कर दिए थे। इन सिक्कों को कॉइन कलेक्टर 50,000 से लेकर 5 लाख रुपये तक देने को तैयार है। मार्केट में यह सिक्के काफ़ी कम है और अगर आपके पास यह सिक्का है तो आप इस सिक्का को सही जगह पर बेच कर लाखों रुपये इनकम कर सकते हैं। कॉइन कलेक्टर राकेश गोयल ने भारत सरकार को 100 रुपये का सिल्वर कॉइन लाखों रुपए में बेची थी। आपको बता दें कि सबसे रेयर सिक्कों का कीमत करोड़ों रुपए में है। सबसे रेयर राम और सीता की इमेज वाला है जिसमें गूगल बादशाह अकबर ने बनाया था। यह 4 ग्राम गोल्ड में बना है। इसमें से एक न्यूयॉर्क के एक कॉइन कलेक्टर के पास है और दूसरा वियना के म्यूजियम में है। यह सिक्का 2 करोड़ रुपये में बिका था। दूसरा सिक्का मुगल राजा जहांगीर का था जिन्हें उसे सऊदी अरब के राजा को गिफ्ट में दिया था। यह सिक्का साल 1988 में लंदन में 80 करोड़ रुपया में बिका था। चीन और यूरोप में है पुराने सिक्कों का कॉइन मार्केट। जी हां, यूरोपीय देश, एशियाई देश और चीन में पुराने सिक्के में बेचने का बड़ा बाजार है। हांगकॉन्ग, चीन में बीजिंग, ग्वानगो की कॉइन और स्टैम्प मार्केट सबसे फेमस है। इन कॉइन मार्केट में बीडिंग लाखों रुपये में चली जाती है। भारत के लिए यह कॉन्सेप्ट काफ़ी नया है। यहाँ कोई कॉइन मार्केट नहीं है जहाँ पुराना कॉइन को बेचकर इंडिया में पुराने कॉइन कलेक्टर को इसका सही भाव भी मालूम नहीं है। आपको जानकारी नहीं होगी कि ब्रिटिश इंडिया का साल 1939 का सिक्का 6.5 लाख रुपए में बिका था। कलकत्ता के परिवार के पास यह सिक्का था जो उनके दादा दादी जी के लंदन में खरीदा था। यह सिक्का रेयर था और अब इस कैटेगरी के सिक्का 10 से 12 कॉइन बेचे गए हैं। यह सिक्का अब भारत में देखने को नहीं मिलते हैं। इस सिक्के को लंदन के कॉइन मार्केट ने 6.5 लाख रुपए में बेचा था। कुछ साल पहले हांगकॉन्ग के कॉइन मार्केट में इसी कॉइन की बोली 8 लाख रुपए लगाया गया था। ईबे, मेलकॉम, टोंडीवाला जैसे कुछ कंपनियाँ पुराने सिक्के का ऑक्शन करती है। यहाँ पर आप पुराने सिक्के बेच सकते हैं। इसके अलावा लंदन, जर्मनी, हंगरी, फ्रांस जैसे देशों के कॉइन मार्केट में पुराने सिक्के ऑनलाइन बेच सकते हैं। ऑनलाइन मार्केट के साथ साथ हांगकॉन्ग, चीन में बीजिंग, ग्वानजाओ की कॉइन मार्केट में यह सिक्के बेच सकते हैं। एजेंट के जरिए भी पुराने सिक्के की बिक्री होती है। एजेंट के जरिए बिक्री करने पर उन्हें आपको कमीशन देना होगा। तो इस तरह अगर आपके पास भी कॉइन है, पुराने सिक्के हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। और जो वेबसाइट मैंने बताया था, ईबे का वेबसाइट में जाकर आप अपने कॉइन को बेच सकते हैं। मेलकॉम, टेडीवेले जैसे कुछ कंपनियों के मदद से भी आप अपने कॉइन को बेच सकते हैं या फिर आप किसी एजेंट के थ्रू आप अपने कॉइन को लाखों रुपये में बेच सकते हैं। बस आपको उस एजेंट को कमीशन आपको देना होगा। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ पूछना हो, शेयर ऑप्शन का यूज करके दोस्तों के बारे में बताएं, इस वीडियो के बारे में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और फ्री में वीडियो भी देख सकते हैं। तो गाइस, वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।